तभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल uh, टाइप का क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू की कोई ना कोई प्रॉब्लम है बट एनी हम लोग उसको ट्राई करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके एलिमेंट uh, जो दिया हुआ है वो आपको बैटरी दी हुई है और रेसिस्टेंस uh, पावर दी हुई है थ्री वोट ठीक है इसमें आपका ए और पे बी पॉइंट के साथ में जो यहाँ पे uh, बैटरीज जुड़ी हुई हैं उनको फर्दर ग्राउंड किया हुआ है जीरो वोट जीरो वोट पे तो ये दोनों यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे हैं जीरो वोट जीरो वोट आप इनको कनेक्टेड समझ सकते हैं उसके बाद चूंकि ये एटीन वोल्ट का बैटरी है और वोल्ट का बैटरी है और ये टू वोल्ट का बैटरी है तो ए पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो आपकी कितनी हो जाएगी एटीन वोल्ट हो जाएगी जो बी पॉइंट है उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी वो आपकी टू वोल्ट हो जाएगी अब चूंकि ये दोनों पॉइंट्स की जो पोटेंशियल है वो इनमें से कोई भी ज़ीरो वोल्ट नहीं है ठीक है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जिस जिस हिसाब से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा थ्रू दिस रेजिस्टेंस दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ दिस वोल्टेजेस ठीक है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका एटीन माइनस टू इट इज़ इक्वल टू सिक्सटीन वोल्ट तो जो इतनी भी कैलकुलेशन होगी फॉर द करंट लाइक कैलकुलेटिंग द करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर और वॉट यू वॉन्ट इसको कैलकुलेट हमें इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी वोल्टेज डिफरेंस रहेगा ठीक है अब इसने इसने क्वेश्चन में पूछा गया है इसने इसमें कहा है कि एक तो आप करंट का डायरेक्शन बताइए ए एंड बी सेक्शन में ठीक है ना तो ए एंड बी सेक्शन कौन सा हो गया ए एंड बी सेक्शन हो गया ये वाला तो सिंपल सी बात है कि ए पॉइंट जो है वो हाइयर पोटेंशियल पे है और बी पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल पे है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए टू बी ठीक है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका करंट डायरेक्शन विल बी ए टू बी राइट ए टू बी बट देन द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट From A to B, like through the resistor, this थ्री volt resistor, right? This may be a bulb or uh, anything else. तो so, इसके लिए आपको formula use करना पड़ेगा P is equals to V I, ठीक है अब V क्या है यहाँ पे आपका सिक्सटीन power कितना दिया है इन्होंने खुद दिया है volt. वोल्ट तो three volt power हो गया आपका और voltage आपका हो गया सिक्सटीन volt, और ये हो गया आपका current. तो so, यहाँ से I is equals to कितना आपका आ गया थ्री वोल्ट डिवाइडेड इतना स आपका हो गया है। लेकिन इसका जो आंसर दिया हुआ है जो बुक के अंदर वो आपका टू एम्पियर दिया हुआ है which is, uh, मेरे हिसाब से वो आपको गलत दिया हुआ है ठीक है तो थ्री बायसटीन इज द करेक्ट आंसर आपके लिए और इसका जो डायरेक्शन है वो आपका हो जाएगा ए टू बी तो ये आप इसमें याद रखेंगे ठीक है ना इसमें आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए टू बी ठीक है और आपका करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा थ्री बाय सिक्सटीन एमपियर अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन और बचते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट वो आपको नेक्स्ट वीडियोज में जस्ट uh, इसके बाद ही मिल जाएगा